सारी चीजें असेस करते हैं। जो कलर को भी हमने देखा, ये भी हमने क्या किया है, असेस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कि फिर हमने बच्चे के जो है वो देख लिया कि सांस सही ले रहा है। अपनी घड़ी में नोट डाउन कर लें कि पूरे एक मिनट में बच्चे ने सही सांस लिया। न्यूबॉर्न की कितनी रेस्पिरेशन होनी चाहिए, 140 नहीं, वो हार्ट रेट होती है। और कितनी रेस्पिरेशन कितनी होनी चाहिए, बच्चों की होती है 30 से 40 तक, ठीक है, तो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि फिर उसके बाद बच्चे को आप छूए, छू के बच्चे का हृदय अमल चेक करें। तो एकदम से अगर यहाँ भी किया तो बच्चा उसको वो हमारी फिंगर को होल्ड कर लेगा, पाँव को करेंगे पाँव ऊपर टांग को मोड़ेगा, बॉडी पे या पेट पे करेंगे तो पेट को थोड़ा सुकड़ा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि न्यू नेटल में आपने मतलब देखना कोई जिल्द की कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर कोई जिल्द के ऊपर धब्बे है, मिलान है, कोई कहीं से लाल कहीं से ब्लैक कलर है, तब भी आपने उन चीजों को नोट ऑन कर लेना। लेकिन अगर वो छोटे छोटे दाने हैं या कोई इस तरीके की कलर है तो नॉर्मली ये क्या होता है, वक्त के साथ साथ सबसाइड हो जाती हैं चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद है सर का जायजा लेंगे आप। सबसे पहले जो आपने लेना है वो क्या करना है, सर का जायजा लेना है कि सर की साख कितनी है। पहले आप फोंटिनल देखेंगे, फोंटिनल कितना होना चाहिए, ये जो फोंटिनल है ये फोंटिनल है, ये इंटीरियर फोंटिनल है और ये पोस्टीरियर फोंटिनल है, ठीक है। जो आपको बताया था कि ये 1.5 साल में बंद होना है, सही है। ये देख लिया आपने, सूचर देख लिए, सूचर नजर आ रहे हैं, सूचर आपने देख लिए हैं, सही है। ये क्रोनल सूचर देख लिए, फ्रंटल देख लिया, ये जो है सजेटल देख लिया और ये लिम्बॉइड सूचर आपने देख लिया। अब जब सूचर देख लिए हैं, फोंटिनल देख लिया है, तो हम बच्चे की अब क्या करेंगे कि सर की क्या करेंगे, चलो चलो कितना आ रहा है, यहाँ पे रखें और इसको घुमा कर पीछे लेके जाएं, थर्टीन को प्लस करें, कितना आ रहा है। अगर ये आप इंच में करेंगे तो कितना आएगा, 13.5, और अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो फिर कितना आएगा, 34.5 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो आपने ये इसका हेड कर लिया और अब इसको आप नोट ऑन कर लेंगे कितनी आ रही है। अगर इंच में करेंगे तो कितनी आती है, 13.5 आती है, और अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो कितनी आती है, 34 आती है, ठीक है। अब इसके बाद आप मुंह का जायजा लेंगे, अब फिर बच्चे को सीधा करें, मुंह का जायजा लेंगे। मुंह में आपने क्या देखना है कि तालू पहले आपने देखा, होंठ तो नहीं कटा हुआ आपको मिला, फिर आपने चेक किया तालू बच्चे का कि तालू तो नहीं अंदर से कटा हुआ, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, और या फिर क्लेफ्ट लिप तो नहीं है। क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है होंठ कटा हुआ होना, और क्लेफ्ट पैलेट का मतलब होता है तालू का कटा हुआ होना। तो मुंह के जायजे में ये खास तौर पर चीज को चेक किया जाएगा। फिर आप नाक का जायजा लेंगे, ले नाक का जायजा, नाक